स्टार। नमस्कार जयंत, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 9 दिसंबर 2022 को एक विशाल काई चूहे की डेड बॉडी हमें हमारे सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच मोहम्मद तौहीद हुसैन नियाजी और सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच जनाब अरसलान रजा खान साहब ने बरामद की थी और उसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया था। तो आज उसकी रिपोर्ट आ गई है। काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ था चूहे की डेड बॉडी को लेके, लगातार न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर और तरह तरह की बातें की जा रही थी कि आखिर चूहे को किसने मारा है। तो हमारी पूरी टीम लगभग लगी हुई थी, जिसमें 2 IPS रेंज के अधिकारी थे और जनाब तौहीद हुसैन नियाजी साहब और जनाब अरसलान खान साहब ने भी काफ़ी मेहनत की। तो जगह जगह दबिश दी गई हैं, छापेमारी की गई है और लगातार टिकट हमारी जांच में लगी हुई है। बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। तो आज ये हमारे सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो विशालकाय चूहे की जो मौत हुई है, इसमें डॉक्टर झुंझुनवाला ने अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें लिखा है कि चूहे की मौत जो है भूख लगने के कारण और उसको समय पर खाना नहीं मिल पाया, इसलिए उसकी मौत हो गई। और एक जगह पे कुछ सिम्टम उसके अंदर बादाम के भी पाए गए हैं कि उसने काफ़ी मात्रा में बादाम खा लिए थे, जिसकी वजह से उसके पेट में काफ़ी हीट हुई और समय पर उसको पानी नहीं मिल पाया और फिर उसको बाद में भूख लगी और ज़्यादा, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो आप अफवाह में ध्यान ना दें और मेरी समस्त जनता से यही अपील है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। और उसका मर्डर नहीं किया गया, बाकायदा उसकी एक आकस्मिक मौत हुई है। भूख लगने के कारण उसको पर्याप्त खाना नहीं मिल पाया, तो इसलिए उसकी मौत हो चुकी है। और उसकी बॉडी अब हम उसके घर वालों को तलाश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से उसका फोटो पोस्ट कर दिया गया है। उसको ढूंढ रहे हैं कि कौन इसके माता पिता हैं। उसकी बॉडी नाम बता दिए उनका, क्या था, आधार कार्ड के माध्यम से नाम बता दिए। हाँ, उसका आधार कार्ड भी हम वायरल कर रहे हैं अभी हमारे पेरेंट्स रिपोर्टरों के माध्यम से, हम उसका आधार कार्ड भी वायरल कर देंगे। तो बहरहाल जो है अभी ये केस हम पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। पंचनामा इसका हो चुका है और डेड बॉडी बाहर आके रखी हुई है, बाहर खंबे के पास। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।